स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। डेथ ऑफ पार्टनर के लेक्चर नंबर 12 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 12th न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड का डेथ ऑफ पार्टनर इलस्ट्रेशन नंबर 3 स्टार्ट करने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर प्रॉब्लम देख सकते हो, प्रॉब्लम एकदम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में 8 एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है और इस प्रॉब्लम मैक्सिमम जनरल एंट्रीज होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम सबसे पहले लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ओरल सेगमेंट में सारे एडजस्टमेंट समझा के बताऊंगा। वीडियो के आगे जैसे आप देखते जाओगे वैसे प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट होगा, तब आप एक्चुअल में प्रॉब्लम कर पाओगे। इस वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये प्रॉब्लम समझने का है, अगर आप ये वीडियो देखना सफल हो चाहते हो, तो सबसे पहले आपको वीडियो देखते समय इस प्रॉब्लम के सारे फॉर्मेट्स ड्रॉ कर देने पड़ेंगे। एक बार फॉर्मेट्स ड्रॉ कर दिया तो जैसे जैसे मैं वीडियो आगे बढ़ता जाऊंगा वैसे वैसे आप प्रॉब्लम स्टार्ट करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम में पार्टनर्स का नाम दिया है, अनीता, सुनीता एंड कविता, जिनका ओल्ड रेशो है 2:2:1 और ऑन 1st of July 2019 कविता डाइट, मतलब कविता बिजनेस स्टार्ट होने के बाद, ईयर स्टार्ट होने के बाद 3 महीने बाद उसकी मौत हो जाती है। तो सर्वाइविंग पीरियड कितने महीने का था? 3 महीने का। तो ईयर खत्म होने से कितने महीने पहले उसकी मौत हो गई? 9 मंथ्स पहले। स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉब्लम करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट में क्या बोला है? ऑल डेटर्स वेर कंसिडर्ड गुड। जितने भी आपके लास्ट ईयर की आरडीडी थी वो सारी की सारी आपने रिकवर कर लिया, तो इसका मतलब 20,800 की पोस्टिंग होगी बैलेंस शीट के एसेट में और 800 की पोस्टिंग होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर में। ये एडजस्टमेंट हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था और एडमिशन ऑफ पार्टनर के प्रॉब्लम में भी देखा था। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर सेकंड में क्या बोला है? अ कॉन्टिनेंट लायबिलिटी फॉर अ कंपनसेशन ऑफ 900 वॉज प्रोवाइडेड। एक लायबिलिटी जो हमने बिजनेस में इंट्रोड्यूस की थी 900 की, जो बिजनेस पेबल है, तो उसके दो पोस्टिंग हो गए रिवेल्यूशन अकाउंट्स के डीआर में, नेक्स्ट पोस्टिंग होगी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। यह एडजस्टमेंट एडमिशन भी में भी आती है, रिटायरमेंट में भी आती है और डेथ में भी आते हैं। इसे हम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज ट्रीट करेंगे जिसकी पोस्टिंग होगी रिवेल्यूशन अकाउंट्स डीआर और बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। यह एडजस्टमेंट आपको एडमिशन में भी आती है, डेथ में भी आती है और रिटायरमेंट में भी आती है। सो इसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बोल के टिक मार करके रखिए। सबसे पहले देखिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपके पास कितने की इन्वेस्टमेंट है, 30,000 के। एडजस्टमेंट में क्या बोला है? इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड आउट इन द मार्केट एट 10% प्रॉफिट। मतलब आपके पास जितने भी इन्वेस्टमेंट थे वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट आपने 10% प्रॉफिट खाकर सोल्ड कर दिए। मतलब अगर आपने 10,000 की कोई चीज़ बेची है तो उसका आपको 10% प्रॉफिट मिला, तो उस 10,000 की चीज़ के बदले में आप लोगों को कितने 1,000 आएंगे? प्रोडक्ट अमाउंट प्लस 10%, मतलब 11,000 रुपये आएंगे। अब यहाँ पे आपके पास टोटल इन्वेस्टमेंट है 30,000 के और 10% प्रॉफिट पे वो बेचा, तो मतलब आपके बिजनेस में से कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं 30,000 के। उसके बदले में उस 30,000 इन्वेस्टमेंट के बदले में आपको कितने रुपए आ रहे हैं? 100% कॉस्ट प्राइस प्लस 10% प्रॉफिट। मतलब 100% कॉस्ट प्राइस कितना है? 30,000। 30,000 के ऊपर 10% कितना निकलेगा? 3,000। मतलब उस 30,000 के बदले में आपके पास आ रहे 33,000। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डीआर, मतलब कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट के डीआर में आपको लिखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट सेल या टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 33,000 और बैलेंस शीट के एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट लिखना पड़ेगा नील। अब 30,000 की इन्वेस्टमेंट तो आपने सेल कर दिया, तो उसके बदले में आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 3,000 प्रॉफिट हुआ। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर में आपको 3,000 लिखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट सीआर में 30,000। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डीआर 33,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट सीआर 3,000, इन्वेस्टमेंट अकाउंट सीआर 30,000। वीडियो के प्रैक्टिकल सेगमेंट में मैंने आपको यह एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करने के दो टेक्निक्स बताए, एक विदाउट इन्वेस्टमेंट अकाउंट या विद इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता जाएगा आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एडजस्टमेंट नंबर 4, लोन पेड ऑफ के बारे में आपको बोला है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में देखिए आपके पास बैंक का लोन कितना है? 8,000। वो बैंक का लोन आपने पेड कर दिया। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कौन सा लोन, एग्जीक्यूटर लोन या बैंक लोन। एग्जीक्यूटर लोन से रिलेटेड आपको लास्ट एडजस्टमेंट में बोला है अमाउंट ड्यू टू एग्जीक्यूटर, ये बैंक लोन से रिलेटेड डिस्कशन किया है। कितना बैंक लोन आपके पास था? 8,000। वो बैंक लोन आपने पेड कर दिया, तो इसकी एक पोस्टिंग होगी प्रॉब्लम में बैंक अकाउंट के सीआर में, इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा बाय बैंक लोन 8,000 बैंक अकाउंट के सीआर में लिखना पड़ेगा और इसकी जनरल एंट्री होगी
बैंक लोन अकाउंट्स डीआर टू बैंक अकाउंट सीआर। प्रॉब्लम में सिर्फ एक पोस्टिंग, जर्नल एंट्री क्या करनी पड़ेगी, बैंक लोन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट सीआर। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एडजस्टमेंट के तो दो पोस्टिंग होते हैं, अगर आपको दो पोस्टिंग करने का ही है तो दो पोस्टिंग के दो टेक्निक्स है। सबसे पहले बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में बैंक लोन लिखिए 8000 लेस पेड ऑफ 8000 में से 8000 लेस कीजिए, आउटर में लिख लिए नील और बैंक अकाउंट के सीआर में लिख दीजिए 8000। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक जो इसकी सेकंड टेक्निक है वो इस वीडियो के प्रैक्टिकल सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 5 में बिल्डिंग डिप्रिसिएट हुआ है और फर्नीचर भी डिप्रिसिएट हुआ है बाय 800 and 1100। सो इजी एडजस्टमेंट है, आप बेसिक ओन लेवल पे कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है गुडविल। सबसे पहले देखिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपके पास कितने का गुडविल है, 10000 का। और एडजस्टमेंट नंबर 6 में क्या बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹15,000, इट वाज टू बी रेज्ड इन द बुक्स। सबसे पहले देखिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपके पास पहले से कितने रुपए का गुडविल था, 10,000 का गुडविल था। और एडजस्टमेंट में बोला है बिजनेस का गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म नॉट डिसीड्स पार्टनर, गुडविल ऑफ द फर्म, मतलब D2 के एंट्री के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। पहले से हमारे पास 10,000 गुडविल था, न्यू पार्टनर बाद में डिसीड्स पार्टनर की मौत हो जाने के बाद जब कैलकुलेट किया गया तो टोटल गुडविल की कीमत कितना हो गया, 15,000, मतलब 5,000 गुडविल रेज्ड हुआ। तो अब यहाँ पे पोस्टिंग क्या होगी, D2 के एंट्री होगी गुडविल अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट CR। टोटल गुडविल कितना रेज हुआ, 5000। तो ये 5000 गुडविल आपको सारे के सारे पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट में क्लियर कट बोला है गुडविल ऑफ द फर्म, सिर्फ डिसीड्स पार्टनर का गुडविल रेज नहीं हुआ है, सारे के सारे फर्म का गुडविल रेज हुआ है। तो 5000 को अगर आप 2:2:1 से डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा, 2000 2000 1000। तो जनरल एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीआर। अब ध्यान से देखिए, पहले से हमारे पास गुडविल के कितने थे, 10,000, बाद में कितना रेज हुआ गुडविल, 5000 से रेज हुआ, मतलब टोटल गुडविल हमारे पास कितना है, 15,000। तो गुडविल अकाउंट क्लोज करने के बाद बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको गुडविल दिखाना पड़ेगा 15,000। गुडविल से रिलेटेड, गुडविल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, इससे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के प्रैक्टिकल सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 7। एडजस्टमेंट नंबर 7 में क्या बोला है, कविता वॉज एंटाइटल टू गेट शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट फॉर 2019 वॉज एस्टिमेटेड ₹10,000। अब कविता को उसके मौत के दिन तक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके देना है, उसका शेयर उसको देना है। और एस्टिमेटेड प्रॉफिट अब तक हम क्या कर रहे थे, लास्ट ईयर का बेस प्रॉफिट ले रहे थे। इस प्रॉब्लम में क्या बोला है, 2019 and 20, मतलब करंट ईयर का ही उन्होंने एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया है। कितना प्रॉफिट दिया है, 10,000। अब ध्यान से देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल साल भर का प्रॉफिट है 10,000, क्लियर। तो 3 महीने का प्रॉफिट पूरे बिजनेस का कितना होगा, 2,500। अब 2,500 शेयर पूरा का पूरा कविता को जाएगा क्या, नहीं, 2,500 में डिस्ट्रीब्यूशन होगा 2:2:1 से। अगर 2,500 को हम 2,500 को हम 2:2:1 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कविता को शेयर मिलेगा 500 के दो पोस्टिंग्स हो गए डिसीड्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट के सीआर में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और सस्पेंस अकाउंट की जर्नल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डीआर टू डिसीड्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट सीआर। नेक्स्ट आगे चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर लास्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है, द अमाउंट ड्यू टू कविताज एग्जीक्यूटर वॉज पेड बाय नेफ्ट, मतलब कविता के एग्जीक्यूटर को जितना भी हम अमाउंट देना बाकी थे वो नेफ्ट के जरिए हम दे रहे हैं, मतलब सारा का सारा अमाउंट हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम से उसको पेड कर रहे हैं। तो जर्नल एंट्री इसकी क्या होगी, कविताज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट DR टू कैश पब्लिक बैंक अकाउंट CR। अब ये जो एडजस्टमेंट है ये दो तरीके से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। नंबर फर्स्ट सिचुएशन, डायरेक्टली आप पोस्टिंग कर सकते हो कैश पब्लिक बैंक अकाउंट के CR में। या सेकेंड सिचुएशन, समटाइम्स आपको एग्जाम में बोला जाता है कि प्रिपेयर एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, तब उस सिचुएशन में एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करें, क्या क्या उसके लिए जरूरत है, क्या क्या आपको समझना चाहिए, तो वो सब समझने के लिए आपको इस वीडियो का प्रैक्टिकल सेगमेंट देखना पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इस वीडियो का प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिकल सेगमेंट। आज हम डेथ ऑफ पार्टनर का इलस्ट्रेशन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। अब तक जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे उन प्रॉब्लम में से सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, क्योंकि इस प्रॉब्लम में जनरल एंट्रीज भी मैक्सिमम होते हैं और एडजस्टमेंट भी 8 के आसपास एडजस्टमेंट दिया है, तो प्रॉब्लम करने में बहुत मज़ा आएगा। स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए पार्टनर्स का नाम क्या दिया है प्रॉब्लम में, अनीता, सुनीता एंड कविता। और इन तीनों में से कौन से पार्टनर की डेथ हो रही है,
कविता की, आंसर में आपको कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये एज अ आंसर प्रिपेयर करना पड़ेगा। और बैंक अकाउंट एंड कविता एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट जस्ट वर्किंग अकाउंट के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि अकाउंटिंग प्रोसीजर हमको समझ में आए। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, आप चेक कर सकते हो प्रॉब्लम में कि कविता की मौत हो गई है 1 जुलाई 2019 को, यानी कि सर्वाइविंग पीरियड कितने महीने का था, 3 महीने का। तो जिस दिन कविता की मौत होगी उसी दिन बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी, इसलिए हमने बैलेंस शीट पे डेट भी लिख दिया। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे। देखिए उनका बैलेंस कितना है, 40,000, 40,000, 20,000। ऑलमोस्ट डन, ठीक है। अब देखिए बैंक अकाउंट में पहले से कितने रुपए है, टोटल बैंक अकाउंट में पहले से कितने रुपए, 8,200 रुपये। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2 बैलेंस बीडी 8,200, ठीक है, वो गुडविल का है 10,000। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था अगर ऐसी मिस्टेक हो तो पूरा कट कर दो, या वो तो डिजिट कट कर दो, बाकी का पूरा लिख लो, ठीक है। तो हमने वैसे ही कर दिया, वो डिजिट कट करके 8,200 पूरा लिख दिया, जो कि मार्क्स नहीं कटेंगे, आपको अच्छे तरीके से मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, ऑल द डेटर्स वेर कंसिडर गुड। लास्ट वीडियो में भी बताया था मैंने ऑल डेटर्स कंसिडर गुड का मतलब क्या है, जितने भी डेटर्स आपके आरडीडी लास्ट ईयर आरडीडी थी, जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे थे, वो सारे के सारे आपने रिकवर कर लिए। इसका मतलब जो इनर कॉलम की डेटर की अमाउंट है वो एज इट इज एसेट में लिखना पड़ेगा, यानी कि 20,800, और जो अमाउंट आरडीडी बोल के आपने लेस किया था क्वेश्चन में, देखिए लास्ट ईयर के 800 रुपये, वो एज इट इज जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर में, क्लियर। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अ कॉन्टिनेंट लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन ऑफ ₹900 वॉज प्रोवाइडेड। एक लाइबिलिटी थी 900 की जो कि हमारे बिजनेस में आ गई है। तो दो पोस्टिंग्स कहाँ पे हो गए, सबसे पहली पोस्टिंग होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में, और दूसरी पोस्टिंग होगी बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में। ये एडजस्टमेंट आपको एडमिशन में भी आती है या फिर रिटायरमेंट में भी आती है। सिंपली लिख देंगे हम टू कॉन्टिनेंट लाइबिलिटीज टोटल अमाउंट 900। सेकेंड पोस्टिंग लाइबिलिटीज को यहाँ पे लिख देंगे हम आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी 900, क्लियर। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। एक लाइबिलिटीज थी 900 की जो हमारे बिजनेस में आ गई थी, कॉन्टिनेंट थी ₹900 जो हमने प्रोवाइड अभी पेड करना पड़ेगा आपको। तो से दो पोस्टिंग होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के डीआर में, और दूसरी पोस्टिंग होगी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। इतना क्लियर हो गया। हाँ, आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट वेयर सोल्ड आउट इन द मार्केट एट प्रॉफिट ऑफ 10%। स्टेप बाय स्टेप आपको बता दो, दो तरीके से आपको बता दो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एक विदाउट इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर किए बिना, और एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर किए, ठीक है। सबसे पहले देखिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपके पास कितने के इन्वेस्टमेंट है, 30,000 के। तो 30,000 की इन्वेस्टमेंट आपने 10% प्रॉफिट पे सेल किए। अब 30,000 के ऊपर 10% कितना आएगा, 3,000, मतलब 30,000 की इन्वेस्टमेंट आपने कितने थाउजेंड को सोल्ड किया, 33,000 को। तो इसका मतलब आपके पास क्या आएगा, कैश आएगा। कितना कैश आएगा आपके पास, 33,000 आपके पास कैश आएगा। इतना क्लियर हो गया। और आपके पास से बिजनेस में से क्या चले जाएगा, इन्वेस्टमेंट। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का रूल है, इन्वेस्टमेंट रियल अकाउंट है। तो आपके पास इन्वेस्टमेंट चला गया कितने का, 30,000 का, क्लियर। कैश अकाउंट डीआर में आपने कैश ऑब्लिक बैंक, क्योंकि इसमें बैंक है, कैश ऑब्लिक बैंक में आपने लिख दिया 33,000। इन्वेस्टमेंट अकाउंट सीआर में आपने लिख दिया 30,000। डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट में फर्क आ रहा है, कितने का फर्क आ रहा है, 3,000 का। और जो 3,000 है आपके लिए क्या है, इनकम है, क्योंकि आपके पास से 30,000 की कोई चीज़ चली गई है और आप उसके बदले में आपके पास 33,000 आ गए, तो आपको 3,000 प्रॉफिट हुआ है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स सीआर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में सीआर कितना जाएगा, 3,000। तो जनरल एंट्री क्या होगी, कैश बैंक अकाउंट डीआर में 33,000, इन्वेस्टमेंट अकाउंट सीआर में 30,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट सीआर में 3,000, क्लियर। हाँ, अब देखिए अगर हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स प्रिपेयर किया है, अगर हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया है, मैं ये पूरा गणित डीप में समझाने वाला हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस मेरा एक ही मोटो है कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है।
तो बैलेंस बीडी एसेट्स डीआर साइड को आते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट के, यहाँ पे लिख दिया हमने बैलेंस बीडी 30,000, क्लियर। अपने 30,000 की इन्वेस्टमेंट कितने में सोल्ड किया, 30,000 की इन्वेस्टमेंट आपने कितने में सेल किया, 33,000 में। तो आपकी एंट्री क्या होगी, कैश बैंक अकाउंट या टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट सीआर, एंट्री तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट सीआर होगी, तो यहाँ पे लिख देंगे आपको बाय बैंक अकाउंट 33,000, that's it। इतना ही होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब अकाउंटिंग प्रोसीजर यहां पे कैसे होगी, देखिए। सबसे पहले आपके पास पैसे कितने आ गए थे, 33,000, तो यहाँ पे लिख देंगे हम टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना 33,000। नेक्स्ट पोस्टिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट पे सीआर में यहाँ पे लिख देंगे हम बाय इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट्स कितना 3,000। अब यहाँ पे कैसे 3,000 आया, ये देखिए यहाँ पे 3,000 कैसे आया, ये देखिए 3,000 इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर में क्या लिखा, रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन के सीआर में क्या लिखा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो जनरल एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट सीआर, क्लियर। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर में, ठीक है, ओके, इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स कुछ तो है क्या, सारे के सारे इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट हमने सोल्ड कर दिए, तो एक भी रुपये इन्वेस्टमेंट का नहीं है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, आपको एज इट इज नील कर रख देना है वहां पे। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है नेक्स्ट एडजस्टमेंट के नंबर 4। अब देखिए आपके पास लोन कितना है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखिए, लायबिलिटी साइड में आपके पास 8,000 का लोन था जो कि हम आपने पेड ऑफ कर दिया, मतलब पूरे के पूरे लोन पैसे पेड कर दिए, तो पैसे चले गए। तो कैश बैंक अकाउंट के सीआर में जाइए, यहाँ पे लिख दिए लोन अकाउंट्स, ये लोन एग्जीक्यूटर का नहीं है, अभी हमने एग्जीक्यूटर लोन कैलकुलेट किया, ये बैंक लोन है जो कि अमाउंट है 8,000, तो पेड कर दिया 8,000। तो 8,000 की जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट डीआर तो बैंक अकाउंट सीआर, ठीक है। इसका भी एक अकाउंट प्रिपेयर होगा, पर ज़रूरत नहीं है। अगर हमने इसका एक अकाउंट प्रिपेयर किया भी सपोज वर्किंग नोट में, तो देखिए बैंक लोन एक लायबिलिटीज़ है, तो बैलेंस बीडी या ब्रॉड डाउन बैलेंस कहाँ पे आएगा, सीआर में, कितना 8,000। अभी लोन पेड कर दिया आपने बैंक लोन अकाउंट का, तो एंट्री क्या होगी, बैंक लोन अकाउंट्स डीआर 8,000 टू बैंक अकाउंट सीआर, हो गई क्लियर जनरल एंट्री। हाँ नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, एडजस्टमेंट नंबर 5। एडजस्टमेंट नंबर 5 में क्या बोला है, डिप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग वेयर डिप्रिसिएटेड बाय 1800 एंड 800 एंड फर्नीचर बाय 1100, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप डीईपी कैलकुलेट कर देंगे, तो फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग को ऑलरेडी हमने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया। एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग लिखा है और ऊपर क्वेश्चन में प्लांट एंड बिल्डिंग लिखा है, तो उससे कोई बड़ा इशू नहीं होगा, एज इट इज़ आप जो लिखा है वो लिख दीजिए, डीपी कैलकुलेट कर दीजिए। फर्नीचर के ऊपर 1100 रुपये ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है, फर्नीचर में से लेस किया और लैंड एंड बिल्डिंग में से 800 रुपीज़ हमने लेस किया। अब नेक्स्ट बारी आती है गुडविल की, गुडविल से रिलेटेड मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूँ डेथ ऑफ पार्टनर के ऊपर। अगर आपने गुडविल क्या अभी तक वीडियोस नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गुडविल से 2 पार्ट है डेथ ऑफ पार्टनर के, आप वो एक बार जरूर देख लीजिए, आपको डेथ ऑफ पार्टनर का सारा गुडविल समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए एडजस्टमेंट नंबर 6 में क्या बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म अप्रिसिएटेड बाय वैल्यूड एट ₹15,000 इट वॉज रेज इन द बुक्स, मतलब पहले से गुडविल हमारे पास 10,000 था और उसकी कीमत बढ़कर कितना हज़ार हो गए, 15,000 हो गए, अप टू 15,000 वो रेज हुआ है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में क्या बताता हूँ, गुडविल अकाउंट्स प्रिपेयर करता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ में आए गुडविल अकाउंट्स। हाँ अभी देखिए यहाँ पे टू बैलेंस बीडी, गुडविल का पहले से हमारे पास कितना बैलेंस था 10,000, इतना तो हम आपको क्लियर हो गया। हाँ एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि गुडविल की कीमत 10,000 से बढ़कर गुडविल की कीमत 15,000 हो गए, मतलब 15,000 हो गए, मतलब उन्होंने रेज किया है, और नॉट ओनली डिसीड्स पार्टनर का गुडविल रेज्ड हुआ है, पूरे फर्म का गुडविल उस यहाँ पे रेज्ड हुआ है, मतलब सारा का सारा बिजनेस का गुडविल। अब स्टेप बाय स्टेप देखिए, तो कितने रुपए से गुडविल रेज्ड हुआ है, 5,000 से रेज हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अनीता सुनीता
कविता, शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि गुडविल अकाउंट एज वर्किंग नोट आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं बोला है कि सारे के सारे अकाउंट्स प्रिपेयर कीजिए, सिर्फ तीन अकाउंट बोला है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। ठीक है, 5,000, 10,000 थे और पहले से गुडविल हमारे पास कितना हो गया, 15,000। इतना तो क्लियर हो गया, मतलब कितने रुपये से गुडविल इंक्रीज हुआ, 5,000 से। अब 5,000 से अगर गुडविल इंक्रीज हुआ और सारे के सारे पार्टनर्स का इंक्रीज हुआ तो D2 की एंट्री होगी। D2 की एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डियर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीआर, गुडविल अकाउंट डियर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीआर। अब देखिए टोटल पहले से 10,000 था, इतना तो क्लियर हो गया, बाद में कितना बढ़ गया, 5,000। अब ये 5,000 सारे के सारे पार्टनर्स का बढ़ गया। ठीक है, किन से क्या नाम क्या है उनका, अनिता, सुनीता एंड कविता, और उनका रेशो कितना है, 2:1। ठीक है, 5,000 को आपको क्या करने का है, आपको बस उस 5,000 को 2:1 से डिस्ट्रीब्यूट करने का है। टोटल कितना आएगा, 2,000 एंड 1,000, इतना गुडविल सारे पार्टनर्स का उनके रेशो अनुसार हमने रेस कर दिया। तो एंट्रीज क्या होगी, गुडविल अकाउंट्स DR, तो गुडविल अकाउंट में लिख दिया टू पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट CR, गुडविल अकाउंट में लिख दिया 2,000, 2,000, 1,000 टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट CR, मतलब यहाँ लिखना पड़ेगा बाय गुडविल 2,000, 2,000 एंड 1,000। इतना क्लियर हो गया, गुडविल अकाउंट के CR में कुछ भी नहीं आएगा, लगे आता हम गुडविल अकाउंट क्लोज कर देते। टोटल गुडविल की कीमत कितना हो गए, 15,000, CR में कुछ भी नहीं है, नील। बैलेंस शीट आप लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो डायरेक्ट 15,000 की पोस्टिंग कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट के एसेट में। तो हम लिख देंगे गुडविल 15,000। क्लियर, गुडविल अकाउंट क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट रिलेटेड टू है सेवंथ एडजस्टमेंट में क्या बोला है, कविता वॉज एंटाइटल्ड टू शेयर इन प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, प्रॉफिट फॉर 19 एंड 20 वॉज एस्टिमेटेड एट ₹10,000। अब कविता को उसके मौत के दिन तक का आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके देना है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। अब ये देखिए जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, मतलब 2019 एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, करंट ईयर का एस्टिमेटेड प्रॉफिट है 19 एंड 20 का, कितना उन्होंने एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाला है, 10,000। ठीक है, अब तक हमने लास्ट ईयर से डिस्ट्रीब्यूट करा था, इस प्रॉब्लम में आपको करंट ईयर का डिस्ट्रीब्यूट करना है क्योंकि उसकी मौत हो गई है 1 जुलाई 2019 को। अकॉर्डिंग टू डेट्स गिवन इन प्रॉब्लम, आपका करंट ईयर है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। इसका मतलब करंट ईयर का एस्टिमेटेड प्रॉफिट उन्होंने ऐसे डिसाइड किया है कि इस साल हम 10,000 रुपये तक कमा सकते हैं। अगर पूरे साल भर के लिए 10,000 कमा सकते हैं तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना होगा, प्रॉफिट फॉर पीरियड। अब प्रॉफिट फॉर पीरियड कैसे निकालते हैं, 10,000 इंटू उसका सर्वाइविंग पीरियड कितना था, 3/12, तो टोटल प्रॉफिट फॉर पीरियड कितना आएगा, 2,500। इतना तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, कविताज शेयर इन प्रॉफिट। नेक्स्ट स्टेप में कविता का शेयर निकालना पड़ेगा प्रॉफिट में, जो कि ईजी है, 2,500 इंटू 1/5 क्यों, देखिए उनका रेशियो है कविता का 1/5, 2:2:1 में से उसको 1/5 रेशो मिलने वाला है, तो उसका सस्पेंस अकाउंट का प्रॉफिट कितना आएगा, कैलकुलेट कीजिए उसका सस्पेंस अकाउंट का प्रॉफिट कितना आएगा, 2,500 इंटू 1/5, 500, टोटल कितना आएगा, 500। अब 500 के दो पोस्टिंग्स कहाँ पे होंगे, फर्स्ट पोस्टिंग होगी कविता सस्पेंस अकाउंट, कविता कैपिटल अकाउंट के CR में सस्पेंस अकाउंट 500, और नेक्स्ट पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में, यहाँ पर लिख देंगे PNL सस्पेंस ₹500, क्योंकि ड्रॉइंग नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, अमाउंट उसके आउटर कॉलम को लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अमाउंट ड्यू टू कविताज एग्जीक्यूटर वाज पेड बाय नेफ्ट। अब देखिए कविता का जो एग्जीक्यूटर है, कविता का जो एग्जीक्यूटर है उसको जो अमाउंट देने वाले हैं वो आपको बाय नेफ्ट पेड करने का है, मतलब जितनी अमाउंट देने की थी एक साथ देने का। इसका मतलब कौन से मेथड से हम पेड करने वाले हैं, लमसम मेथड से, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया था। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले एडजस्टमेंट तो होगा, बैलेंस शीट में आइए, बैलेंस शीट में देखेंगे कोई पोस्टिंग हमने छोड़ी है क्या, प्लांट एंड बिल्डिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी हमने सोल्ड आउट कर दिए, फर्नीचर के ऊपर DEP निकाल दिया, डेटर्स हो गया, बैंक हो गया, गुडविल अकाउंट ऑलरेडी 15,000 लिख दिया,
जो कि 5000 रेज्ड हुआ था और हमने गुडविल अकाउंट भी प्रिपेयर करा था और इसकी जनरल एंट्री भी होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या बोला है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज साइड में अनीता, सुनीता एंड कविता का बैलेंस भी दिया है जो कि ऑलरेडी हमने लिख दिया है। क्रेडिटर्स हमने कुछ पेड वगैरह नहीं किए तो एज इट इज लाइबिलिटीज में लिख देंगे 30,000। क्रेडिटर्स के बाद बिल्स पेबल 2000। बिल्स पेबल के बाद है बैंक लोन जो कि ऑलरेडी हमने पेड कर दिया है तो आपको ध्यान से लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं एडजस्टमेंट में करने के बाद भी वो अपने ही दुनिया में होते हैं और सीधा सीधा बैंक लोन लिख देते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि बैलेंस शीट टोटल गलत आती है। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने सारे पोस्टिंग्स हो गए, अब बस आपको क्या करने का है, स्टेप बाय स्टेप अकाउंट्स क्लोज करने का है। सबसे पहले देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के CR की टोटल ज़्यादा आ रही है 3,800 रुपये, तो हमने लिख दिया 3,800 और उसमें से अगर आप DR माइनस करोगे तो DR की टोटल आ रही है 2,800। क्लियर, तो आपका लॉस प्रॉफिट कितना हुआ 1,000, तो यहाँ पे लिख देंगे हम टू प्रॉफिट 1,000। अगर इस 1,000 प्रॉफिट को अनीता, सुनीता, कविता उनके रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा 400 एंड 200। क्लियर, इसकी नेक्स्ट पोस्टिंग जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के CR में, लिख देंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 400 एंड 200। इतना तो क्लियर हो गया। हाँ, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको कविता का एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट क्लोज करने का है। कविता अकाउंट सबसे पहले देखिए कविता का टोटल बिजनेस में इनकम कितना है, कविता का कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड ज़्यादा है, ऑलवेज CR साइड ज़्यादा है, उसकी CR साइड है 21,700 और DR साइड में कुछ भी नहीं है। तो बिजनेस जो बैलेंस शीट रहेगी उसको हम क्या बोलेंगे, टू कविता एग्जीक्यूटर लोन, अब ऐसे भी लिख सकते हो टू बैलेंस सीडी और इसको इन ब्रैकेट कर सकते हो टू कविता एग्जीक्यूटर लोन। अब बिजनेस कविता को कितना रुपए देना है 21,700। अब सिंपल सा लॉजिक है, बिजनेस कविता के एग्जीक्यूटर को 21,700 अमाउंट ओव करने का है, मतलब वो अमाउंट बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटीज है। तो हमने अकाउंट्स प्रिपेयर किया तो ये अकाउंट लाइबिलिटी है तो कौन सा बैलेंस दिखाएगा, क्रेडिट बैलेंस, तो हम लिखते हैं यहाँ पे बाय बैलेंस BD 21,700। ठीक है, अब लास्ट एडजस्टमेंट में आपको क्या बोला है कि कविता का जो एग्जीक्यूटर लोन अमाउंट का जो बैलेंस था वो हमने उसको नेफ्ट से पेड कर दिया, कविता के एग्जीक्यूटर को जितना देना था, कितना देने का था 21,700 बाय नेफ्ट अगर पेड कर दोगे तो एंट्री क्या होगी, कविता एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट CR, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू बैंक अकाउंट 21,700, लमसम अमाउंट पेड किया तो पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, बाय कविता एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, कविता एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 21,700, ऑलमोस्ट डन। ठीक है, यह अकाउंट भी हो गया क्लोज 21,700। अब बस आपको क्या करने का है, अनीता एंड सुनीता का कैपिटल अकाउंट क्लोज करने का है। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टोटल कितना आएगी 42,400, DR में कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस CD 42,400, ये जाएगा कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट्स में बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में। सुनीता कैपिटल 42,400 और उसके बाद अनीता का, अनीता का टोटल कितना आ रहा है सेम 42,400 42,400 ओके ऑलमोस्ट डन। अब चेक करते हैं कि बैलेंस शीट की टोटल कितना आती है। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट क्लोज करेंगे। सबसे पहले देखिए बैंक अकाउंट में आपके पास पहले से कितना रुपए था 8,200, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बेचने के बाद आपके पास 33,000 रुपीज़ आए थे, मतलब टोटल आपके पास कितना था
41,200 और आउट ऑफ 41,200 आपके पास से लोन के कितने रुपए गए थे, 8,000 रुपये आपने दे दिया था, तो माइनस 8,000 होगा। उसके बाद कविता के एग्जीक्यूटर को आपने 21,700 पेड किया था, तो 21,700 लेस करने के बाद इस सिचुएशन में आपके पास कितना रुपीज़ पड़ा हुआ है बाय बैलेंस सीडी, 11,500 रुपीज़ आपके पास पड़ा है। तो यही 11,500 की पोस्टिंग कहाँ होगी, एसेट्स पे होगी। और एक बार बताता हूँ 11,500 कैसे आया, आपके पास पहले से 8,200 रुपये थे, बाद में इन्वेस्टमेंट के आपके पास कितना आ गए, 33,000 आ गए। तो 41,200 आपके पास थे और 41,200 में से आपने इतनी दो अमाउंट्स पेड कर दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट्स कितना आपके पास, 11,500। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बैंक बैलेंस 11,500। क्लियर हो गया। अब बस आपको बैलेंस शीट की टोटल करना है, देखिए कितना आएगी क्या नहीं। सबसे पहले देखिए अनीता एंड सुनीता का कैपिटल अकाउंट, अनीता के टोटल कितना है 42,400 प्लस सुनीता के भी उतना है 42,400। क्लियर। क्रेडिटर्स के 30,000, बिल्स पेबल के 2,000 एंड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी के 900, मतलब प्लस 32,900 करोगे तो टोटल बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ की टोटल आ रही है 1,17,700, 1,17,700 रुपये। सेम अब एसेट की चेक करते हैं। एसेट्स में देखिए आपके पास डेटर्स कितना थे 20,800, लैंड एंड बिल्डिंग के 55,000, फर्नीचर 14,900, गुडविल 15,000, सस्पेंस अकाउंट के 500 और बैंक बैलेंस की 11,500। टोटल आ रही है 1,17,700। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में मैक्सिमम अकाउंट्स हमने ओपन किए। आपको दोनों ही सिचुएशन में भी बताया मैंने, गुडविल अकाउंट प्रिपेयर करके विदाउट गुडविल अकाउंट, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट बुक में नहीं दिया है फिर भी हमने प्रिपेयर किया है क्योंकि आपको एंट्री समझ में आए, और हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में प्रिपेयर किया है क्योंकि आपको एंट्री समझ में आए। अब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि जनरल एंट्रीज कितने होते हैं। ठीक है, मैं कुछ एंट्रीज मार्क करके देता हूँ, अगर गलत आए तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट पूछ सकते हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम जनरल एंट्रीज मार्क करेंगे। हाँ, तो स्टार्ट फ्रॉम गुडविल, गुडविल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने गुडविल रेज्ड किया था तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एंट्री होगी गुडविल रेज्ड की। गुडविल की एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डीआर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीआर। ठीक है, फर्स्ट एंट्री तो हो गई। अब स्टेप बाय स्टेप हम आगे आगे जाएंगे, जैसे जैसे हमने एंट्रीज करे थे वैसे वैसे आगे जाएंगे। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हमने इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया था 33,000 को, तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री सेकेंड होगी। इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट्स डीआर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट सीआर टू रिवेल्यूएशन अकाउंट सीआर। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री इन्वेस्टमेंट की थी। उसके बाद हमने लोन पेड किया था 8,000 बैंक लोन का, तो लोन की एंट्री क्या होगी, लोन अकाउंट बैंक लोन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट सीआर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर 3। वर्किंग नोट्स में बैंक अकाउंट प्रिपेयर करने का ये एडवांटेज है कि आपको एंट्रीज जल्दी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, हाँ, एंट्री नंबर 3 भी हो गई। नेक्स्ट अब चलते रिवेल्यूशन अकाउंट्स में। रिवेल्यूशन अकाउंट्स के डीआर में 3 एंट्रीज होंगे, कॉन्टिनेंट लाइबिलिटी की, डीईपी ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर की। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर 4। उसके बाद आरडीडी की होगी नंबर 5। अब ये नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी हमने ये अकाउंट का रिकॉर्ड कर दिया है। उसके बाद लॉस की होगी नंबर 6। क्लियर, हाँ। अब आगे चलते हैं, सस्पेंस अकाउंट की एंट्री होगी नंबर 7। सस्पेंस अकाउंट की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डीआर टू कविता कैपिटल अकाउंट सीआर। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री होगी ये जो बैलेंस आपने ट्रांसफ़र किया है कविता के एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट का बैलेंस, एंट्री नंबर 8। एंट्री क्या होगी, कविता कैपिटल अकाउंट्स डीआर टू कविता एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट सीआर, ये एंट्री नंबर 8 होगी। और उसके बाद एंट्री नंबर 9। एंट्री नंबर 9 क्या होगी, कविता का एग्जीक्यूटर का लोन आपने पेड कर दिया है। पहली एंट्री होगी ट्रांसफ़र टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, दूसरी एंट्री होगी पेड की एंट्री क्या होगी, कविता एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट्स डीआर टू बैंक अकाउंट सीआर। ये जो बैंक अकाउंट सीआर में आपने लिख दिया 21,700। मैं रिपीट करता हूँ एंट्रीज, फर्स्ट एंट्री होगी गुडविल की, सेकेंड इन्वेस्टमेंट, थर्ड बैंक लोन पेड, फोर्थ रिवेल्यूशन डीआर,
फिफ्थ रिवेल्यूशन CR, सेवन रिवेल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट, सॉरी सिक्स्थ रिवेल्यूशन अकाउंट का प्रॉफिट, सेवन्थ सस्पेंस अकाउंट, उसके बाद एट एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर, और नाइन बैंक लोन आपने पेड कर दिया। ऑलमोस्ट मैंने सारे के सारे एंट्रीज मार्क कर दी है। अगर कोई एंट्रीज मिस हो जाती है, अगर कोई एंट्रीज रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट करूंगा। आपको बस इतना काम करना है, टोटल जर्नल एंट्रीज तो मैंने बता दिए, आपको बस इतना बताना है कि जर्नल एंट्रीज टोटल करने के बाद, जर्नल एंट्रीज करने के बाद टोटल ऑफ जर्नल कितना आता है, उस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देने का, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आई होप आपको पूरा का पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। डेथ ऑफ पार्टनर में का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो बार बार देखिए, ये प्रॉब्लम एकदम परफेक्ट कीजिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने जैसे कि आपको 9 जर्नल एंट्रीज बताए थे, वो सारे के सारे जर्नल एंट्रीज एक बार करिए। एंट्रीज करने के बाद टोटल ऑफ जर्नल कितना आता है, उसका आंसर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल DA2 Academy, स्टे कनेक्टेड।